Hello, good morning all of you. How are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 6 chapter 2 we discussed to fill in the blanks. यानी कि last video में हमने आपके workbook के chapter 2 के जो blanks हैं वो हमने solve की थी. आज हम हमारा question number 4th जो है वो solve करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. यानी कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत, वो आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वॉल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. मतलब कि वॉल नंबर जो है वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड है. मतलब डिवीजन जो है वो डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है उसमें सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा कहा है स्टेटमेंट में. तो हमने देखा था कोई भी प्रॉपर्टी वॉल नंबर की है सभी किसमें क्लोज्ड थी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स. सेकंड है 25 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 1. तो 25 फोर ज़ा 100 और ये 400 का 0, दो 0 वैसे ही, और 10,000 वन ज़ा 10,000. तो ये आंसर सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड है द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन. 0 एंड 1 कोई भी वॉल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0. तो यहाँ आपको कहा है कि 1 आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फिर 999 ग्रेटेस्ट वॉल नंबर. तो मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट अगर वॉल नंबर लिखना, वॉल नंबर, तो वॉल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और सबसे छोटा 0 है, और कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. मतलब वो कुछ डिफाइन ही नहीं है कि ये सबसे बड़ा है वॉल नंबर, तो ये आपको गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि वॉल नंबर कौन सा बड़ा है वो किसी को मालूम ही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट आएगा फॉल्स. फिफ्थ है एवरी वॉल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ सक्सेसर ऑफ अनदर वॉल नंबर. मतलब कि 0 के अलावा कोई भी वॉल नंबर है वो दूसरे वॉल नंबर का सक्सेसर ही होगा. ओके, तो 1 है, ओके 1, तो 1 का सक्सेसर, तो किसका सक्सेसर है, 0. मतलब 0 का सक्सेसर 1 है, तो 1 है किसी, कोई ना कोई नंबर का सक्सेसर होगा ही. तो 2 लेंगे तो 2 किसका सक्सेसर है, 1 का सक्सेसर 2 होगा. फिर 2 है तो 2 का सक्सेसर 3 होगा. लेकिन 0 जो है, तो 0 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0 जो है वो कोई नंबर का सक्सेसर बन सकता है नहीं. क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके आगे एक भी नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. 0 के अलावा सभी नंबर कोई ना कोई नंबर का सक्सेसर है. फिर 6, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वॉल नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0. प्रोडक्ट मतलब अगर आप कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 0 आएगा. तो अगर वॉल नंबर का दूसरा 0 के साथ ही आप मल्टीप्लीकेशन ऐसे करोगे 0 मल्टीप्लाई 1 तो ही आंसर 0 आएगा. आपके पास 25 है तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ही 0 आएगा ना आंसर, वरना तो 0 नहीं आएगा. तो ये स्टेटमेंट में ऐसा कहा है कि दो वॉल नंबर है, ओके, इसका मैंने प्रोडक्ट किया तो उसका आंसर 0 तब आता है जब दोनों में से कोई भी एक 0 होगा. तो अगर दो वॉल नंबर में से कोई भी एक 0 होगा तो ही आएगा ना 0, तो कि हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. फिर है द सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब इसको सोल्व करो तो आपको जो आंसर मिलता है वो 0 है. तो यहाँ 30 + 20 क्या आएगा, 50. 50 - 50 डिवाइडेड बाई 200. तो 50 - 50 तो आंसर क्या आएगा, तो अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमिरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर चाहे कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो उसका आंसर क्या आएगा, 0. न्यूमिरेटर में अगर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी बड़ा नंबर हो. तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है. फिर ये वाला, तो अब क्या है कि कोई भी आप वॉल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करते हो तो एक भी 0 देख लिया तो आंसर क्या ऑलवेज आएगा, 0. आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. मल्टीप्लीकेशन में जब कोई भी एक नंबर 0 आ गया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0. क्यों 0 आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर का तुम 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो आंसर ऑलवेज 0 आएगा. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. 800 आंसर नहीं आता, क्या आंसर आएगा, 0, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए. फिर 9th, तो इफ़ द सम ऑफ टू वॉल नंबर्स इज एन ऑड नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो
ओड नंबर मतलब दो होल नंबर है उसका सम करोगे कि 2 + 3 मैंने किया तो आंसर क्या आएगा मुझे 5 मिला तो 5 ओड नंबर है ओड नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा तो उसका डिफरेंस तो डिफरेंस अगर मैं लूँ 3 - 2 तो आंसर क्या मिला मुझे 1 तो 1 भी ओड नंबर में है तो कि हाँ तो ये सच है कि कोई भी आप दो होल नंबर्स है उसका एडिशन करो और जिसका आंसर आपको ओड नंबर मिले तो उन दोनों नंबर का आप अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो ही आंसर आपको ओड नंबर ही मिलता है। फिर नेक्स्ट 10th तो द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट मतलब क्या कहा है सम दो होल नंबर तो मैं कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ 3 + 5 ये दोनों का क्या करना है सम तो 5 + 3 कितना आंसर मिला 8 मतलब सम ऑफ टू होल नंबर ओके ई क्या कह रहे हैं कि इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट अब मैं उसकी प्रोडक्ट करूँ 5 × 3 = 15 ओके तो ये सब कह रहा है स्टेटमेंट में कि ये जो सम है ये ऑलवेज उसकी प्रोडक्ट से कम ही आता है ऐसा कह रहा था। इस एग्जांपल में देखो सम कम आया प्रोडक्ट उससे ज़्यादा है तो अब मैं 0 + 1 करूँ तो क्या आंसर मिलेगा 1 0 × 1 करूँ तो कोई भी नंबर का 0 के साथ तो 0 आया तो इसमें क्या हुआ कम क्या है जो सम है वो ऐसा बोल रहा है कि सम ऑलवेज उससे प्रोडक्ट से सम ऑलवेज कम आता है तो यह 1 और 0 में बड़ा कौन सा है 1 है तो यहाँ कम आया नहीं तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है फॉल्स ओके ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सक्सेसर तो मैंने बताया उसके बाद वाला नंबर अगर आप सक्सेस हो गए तब ही 6 में आया वैसे तो 2979 के बाद में कौन सा नंबर आता है 80 तो 2980 फिर 599 तो 599 उसके बाद 199 है तो 99 के बाद 100 आता है वैसे 199 के बाद 200 आता है वैसे 599 के बाद 600 तो 3600 फिर 8999 के बाद 9000 फिर 6085 तो 85 के बाद 85 6085 6086 फिर 7550 तो 50 के बाद 51 फिर 89 के बाद 90 तो ये हो गया सक्सेसर। अब है प्रेडिसेसर तो 6000 के पहले 100 के पहले क्या आता है 99 200 के पहले 199 तो वैसे 6000 के पहले 5999 अगर नहीं आता है तो प्रेडिसेसर में आप तो क्या करना है 1 माइनस कर देना है और सक्सेसर में इस सभी नंबर में 1 ऐड कर लेना। अगर आपको इजीली देख के नहीं सोच सकते कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है तो आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है उसमें 1 को ऐड कर देना है और प्रेडिसेसर में जो नंबर आपको दिया है उसमें से 1 माइनस कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 7580 के पहले क्या आता है 79 फिर यहाँ है 4990 तो 4990 के पहले 89 फिर 70 के पहले 69 83 के पहले 82 और 9999 के पहले 98 तो ये आपका प्रेडिसेसर हो गया। आपको देख के मालूम नहीं पता तो आपको प्रेडिसेसर में 1 माइनस करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 इज बिटवीन नंबर तो 8099 के बाद क्या आता है 100 तो 8100 7000 के बाद 7001 उसके बाद 7002 फिर 4050 तो 50 के बाद 51 52 फिर 99 के बाद 6900 एंड 6901 ओके तो ये आपका बिटवीन नंबर था दो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐड यूजिंग नंबर लाइन नंबर लाइन की मदद से हम ऐड कैसे कर सकते हैं तो ये होल नंबर की बात है तो हम पहले क्या करेंगे होल नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 and 6 7 आप चाहे कितनी भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 4 तो 4 कहाँ पे यहाँ पे उसमें कितने ऐड करने हैं 2 तो 4 में 1 एंड
टू के आंसर मिला सिक्स, तो फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स, ये आपका हो गया एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। अब है सब्स्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन, एडिशन करना है तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे, सब्स्ट्रैक्शन करना है तो हम कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सेवन है तो सेवन तक तो ही लिखना पड़ेगा, ये हमारा सेवन, क्या करना है माइनस टू, तो हम कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो कितने प्लस वन एंड टू, क्या आंसर मिला फाइव, तो सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव। मल्टीप्लीकेशन तो उसमें भी मैंने ये जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब ये नंबर लाइन की मदद से हम एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब टू, ओके, तो टू मल्टीप्लाई थ्री, तो ये है टू, मतलब गैप किसका कितने रखना है, टू का, और मूव कितने हो गए हम थ्री टाइम्स, तो टू का गैप रखा वन एंड टू, ओके। तो ये हम टू मल्टीप्लाई थ्री हमने कर लिया, तो क्या आंसर मिला सिक्स, तो टू मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू सिक्स, ओके। तो ये आपका नंबर लाइन की मदद से एडिशन सब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे वो। अब क्वेश्चन नंबर 11 की, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है 20 प्लस 10 करूँ या तो 10 प्लस 20 करूँ, तो मैंने बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो कि कॉम्यूटेटिव, क्या लिखेंगे हम कॉम्यूटेटिव, किसकी है एडिशन थी, तो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर सेम यहाँ है लेकिन एडिशन की जगह पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मैं लिखूँगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर 13 मल्टीप्लाई वन, मतलब कोई भी होल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर वो ही आएगा, वो क्या है वन, तो कि आइडेंटिटी मैंने समझाया था, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वन है और एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो है तो ये क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, और वन है वो मल्टीप्लिकेशन की है। फिर यहाँ ग्रुप बनाया तो ग्रुप को क्या नाम दिया था हमने एसोसिएशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ कौन सी साइन है एडिशन, तो क्या लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यहाँ सेम वैसा है कि पहले ये दोनों का ग्रुप बनाया बाद में ये दोनों का, तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसकी है मल्टीप्लिकेशन की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट जो है कि पहले 18 का मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ, प्लस का प्लस, और 18 का मल्टीप्लिकेशन 36 के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब यहाँ एडिशन था तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन लेकिन ओवर एडिशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक रखते हैं, तो आज आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है, किसी को अगर समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।